हेलो एवरीवन, मेरा नाम अलीशान। आप देख रहे हैं टेक्निक मैनिक। बिना को टाइम वेस्ट के आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में आपको तीन ऐसे स्मार्टफोन के बारे में बताने वाले जो 30,000 के अंदर है और वो 5G भी है ज़्यादातर, और वो मिड रेंज की कैटेगरी में भी आते हैं ज़्यादातर। और उनमें क्या होता है कि अच्छे फ़ोन है, अच्छी डिस्प्ले है। तो एक तरह से ये जो सारे फ़ोन है, ये तीन कैटेगरी के फ़ोन है, एक तरह से ऑलराउंडर भी है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो बात करते हैं अब तीसरे स्मार्टफोन की। इस पर मैंने रखा हुआ है Realme Pro Plus स्मार्टफोन। इस पर आपको 6.5 इंच की फुल HD का एक एंड्रॉइड आपको डिस्प्ले को मिल जाती है, काफ़ी अच्छी। इस पर आपको अच्छा आपको रिफ्रेश भी देखने को मिलता है। ये 10 बिट वाली एक तरह से डिस्प्ले भी आपको देखने को मिलती है, काफ़ी अच्छे। इस पर आपको पंची कलर वगैरह भी देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करते हैं प्रोसेसर की, यहाँ आपको देखने को मिलता है MediaTek का Dimensity 920 वाला प्रोसेसर है, जो कि बहुत ज़्यादा कमाल के आपको चिपसेट देखने को मिल जाता है। इसमें आप कोई भी गेम खेलिए बिना कोई लैग के, बिना कोई फ्रंट वॉक, अच्छे तरीके से वर्क करता है। और इसमें आपको बाकी बायोमेट्रिक्स वगैरह अच्छी सी आपको चीज़ देखने को मिलती है। बैक इसकी बहुत आपको प्रीमियम, इसकी डिज़ाइन अच्छी आपको देखने को मिल जाती है। यही बात करते हैं अगर हम इसकी बैटरी की, तो इसमें आपको 4500 mAh की बैटरी भी देने को मिल जाती है। 60W का फास्ट चार्जिंग वाला अडैप्टर को मिलता है, जो कि आपके फोन को बहुत ज़्यादा रिचार्ज भी कर देगा। और इसका बैटरी बैकअप एक दिन आराम से चलता है, बहुत अच्छा इसका बैकअप आपको देने को मिलता है। बाकी इसमें थर्मल वगैरह भी देने को मिल जाता है, और सॉफ्टवेयर भी फालतू के आपको ऐप देखने को नहीं मिलता, कुछ आपको थोड़ा ब्लड प्रेशर आपको देने को मिलते हैं। ये बात करते हैं बैक में, तो बैक में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप को मिलता है, 50 MP, फिर 8 MP, फिर 2 MP, ऐसे आपको कैमरा सेटअप को मिल जाता है। इसमें आपको OIS भी देने को मिलता है, उसके बाद आपको देने को मिल जाती है 16 MP की आपको सेल्फी भी देने को मिलती है, जो कि बहुत अच्छे से वर्क करती है। इस पर आपको बाकी बैक में आपको पोर्ट्रेट हो गया, नाइटपोर्ट हो गया, स्लोमो हो गया। बाकी इसमें आपको 5 MP का मैक्रो देखने को मिलता है, ट्रिपल कैमरा सेटअप है बैक में। फ्रंट में आपको 16 MP, वहाँ पे आपको पोर्ट्रेट में देखने को मिलता है, और वहाँ पे फुल एचडी में वीडियो कॉल भी कर पाएंगे। यही बात करें हम इसकी प्राइस, जो प्राइस निकल गया 6GB 128 GB जो इंडिया में आपको देने को मिलता है, वो आपको देने को मिलेगा 26,000 rupees का, जो कि बहुत ज़्यादा कमाल इसमें आपको डी देने को मिल जाएगी। तो दूसरे नंबर पे मैंने रखा हुआ अभी लेटेस्ट स्मार्टफोन, अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ, इसका नाम है Aiko Neo 6। काफ़ी ज़्यादा कमाल की आपको स्मार्टफोन देने को मिलता है। अगर बात करते हैं इसके डिस्प्ले की, आपको अच्छी बढ़िया क्वालिटी इसमें आपको डिस्प्ले भी देने को मिलती है। 120Hz का रिफ्रेश रेट है, E4 वाली एंड्रॉइड आपको डिस्प्ले को मिलती है, 1300 nits की पीक ब्राइटनेस भी आपको देने को मिल जाती है। इतनी कमाल की डिस्प्ले, अगर आप मल्टीमीडिया वगैरह एक्सपीरियंस करेंगे, बाकी अगर वेब सीरीज़ देखते हैं, मूवीज़ वगैरह देखते हैं, तो उस हिसाब से देखिए तो काफ़ी अच्छे से आपको मल्टीमीडिया इसमें होने वाला है, क्योंकि इसमें पंची कलर वगैरह दिखते हैं। और बाकी बढ़िया इसकी ब्राइटनेस भी आपको अच्छी, तो इंडोर आउटडोर विजिबिलिटी काफ़ी कमाल की आपको इसमें देखने को मिल जाती है। यही बात करते हैं इसके प्रोसेसर की, तो इसमें पावरफुल आपको चिप देखने को मिलता है, Qualcomm Snapdragon 870 वाला प्रोसेसर है, काफ़ी अच्छा प्रोसेसर। इसमें आप गेम खेलेंगे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। इसमें आपको थर्मल वगैरह भी देखने को मिलता है, काफ़ी ज़्यादा कूल भी फोन रहता है। आप हैवी टास्क कर लीजिए या फिर आप बैटरी को हमारे हाई सेटिंग में खेलिए, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। थोड़ा बहुत स्लाइटली हीट होता है, एक्सेसिव हीट नहीं होता, जो कि बहुत अच्छी बात है। यही बात करते हैं अगर आप इसकी बैटरी की, तो यहाँ पे कुछ 4700 mAh की बैटरी को मिल जाती है, और इन दबाव को 80W का अडेप्टर देने को मिल जाता है, जिससे आप फोन को बहुत जल्दी एक तरह से आप मानिए कि 45 से 55 आराम से अपने फोन को फुल चार्ज कर, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर हम बात करते हैं कैमरा की, तो बैक में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप को मिल जाता है, प्राइमरी आपको 64 MP का, फिर 8 MP अल्ट्रा में, फिर 2 MP मैक्रो, वैसे उसकी कोई जरूरत नहीं थी। अगर हम बात करते हैं सेल्फी की, तो यहाँ पे आपको 16 MP की सेल्फी वीडियो देखने को मिल जाती है। बाकी बैक में आपको फ्रंट में आपको फुल HD वीडियो कर पाएंगे, बाकी बैक में भी आप अच्छे से वीडियो कर पाएंगे, फोटो वगैरह अच्छी इसकी निकल के आती है। बाकी आप जानते हैं Aiko होता है वो गेमिंग में ज़्यादा फोकस करता है, उसके प्रोसेसर ऑपरेशन काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। अगर बात करते हैं इसके प्राइस आपको देखने को मिल जाती है, 8GB 128GB आपको इंडिया में देखने को मिलेगा 30,000 rupees का, जो कि बहुत कमाल की आपको डील अमेजोन और फ्लिपकार्ट को मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं पहले स्मार्टफोन की, तो इस पर मैंने रखा हुआ है Motorola S30 को। मैंने इसको पहले नंबर पे क्यों रखा होगा, मैं वीडियो बताऊंगा। अब बात करते हैं पहले इसके डिस्प्ले की, इसमें आपको 6.6 की फुल HD आपको देखने को मिल जाती है, 120Hz का रिफ्रेश रेट, इसके बाद आपको POLED आपको डिस्प्ले को मिल जाती है। वैसे इसमें जो रिफ्रेश रेट है वो मैंने गलत बताया, इसमें आपको 144Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है, जिससे आपके डिस्प्ले काफ़ी देर स्मूथ, काफ़ी देर रिस्पॉन्सिव हो जाती है। और इसकी डिस्प्ले को और भी स्मूथ करेंगे, इसका जो टचिंग स्लैम पर रिफ्रेश रेट निकल के आया वो 360 आपका हर्ट्स निकल के आया, जो कि बहुत अच्छे से वर्क करता है। और इसकी डिस्प्ले कमाल की है, जिसमें थोड़ा बहुत कवरेज भी देने को मिल जाती है। बाकी आपको पता है Motorola ने बाकी चीज़ों के लिए जाना रहता है। अगर हम बात करते हैं इसके प्रोसेसर की, इसमें मिलता है Qualcomm Snapdragon 778G Plus वाला आपको प्रोसेसर इनको मिल जाता है, काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। इस पर आप हाई सेटिंग में आप कोई भी गेम खेलिए बिना कोई लैग के, बिना कोई फ्रेम ड्रॉप के, और हीटिंग इशू ज़रा सी भी नहीं होती। आप चाहे बड़ा गेम खेलिए चाहे छोटा गेम, कोई भी दिक्कत में नहीं आने वाली है। अगर हम बात करते हैं इसके बैटरी की, तो यहाँ पे आपको 4020 mAh की बैटरी देने को मिल जाती है, और इन द बॉक्स आपको देने को मिल जाता है 33W का फास्ट चार्जिंग वाला अडैप्टर टर्बो देने को मिल जाता है, जब फोन को बहुत जल्दी रिचार्ज कर पाएंगे एक घंटे में।
और अगर बात करते हैं बाकी चीज़ की, आपको लग रहा होगा इसकी बैटरी कम है, लेकिन ये आपको पता है कि मोटोरोला अपने स्टॉक एंड्रॉइड के नाम से जाना जाता है, तो वही चीज़ में भी आपको देखने को मिलने वाली है। स्टॉक क्लीन आपको एक्सपेक्ट होने रहा था, आपकी जो बैटरी एक से डेढ़ दिन आराम से चल जाएगी। अगर आप बात करते हैं कैमरे के, इसका जो कैमरा है कस्टम लेंस लोगों ने यूज़ करे, काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का एक लेंस को मिलता है, फिर 50 मेगापिक्सल का एक लेंस को मिलता है, फिर 2 मेगापिक्सल आपको एक और लेंस को मिलता है। इसमें आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप को मिल जाता है, प्राइमरी लेंस बाकी 50 मेगापिक्सल का, फिर 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड वगैरह, बाकी डेप्थ सी मैक्रो कंबाइन करके दिया। बहुत अच्छे ने लेंस यूज़ करे हैं। अगर हम बात करते हैं सेल्फी की, तो यहाँ पे आपको 32 मेगापिक्सल सेल्फी देखने को मिल जाती है, यहाँ पे फुल एचडी वीडियो कर पाएंगे। बाकी जो मोटोरोला जो कैमरे की फोटोज बहुत अच्छे से निकल के आती है, इस पर आपका बाकी शार्पनिंग वाली फोटो होती है, डिटेल अच्छी होती है, बाकी सैचुरेशन होता है, ओवर सैचुरेशन नहीं होता है। अगर बात करते इसके प्राइस की, जो प्राइस निकल के आई है वो आपकी 6GB RAM 128GB आपको इंडिया में मिलेगा, थोड़ा 30,000 से अभी ऊपर चल रहा है, लेकिन आपको पता ही कि अभी डील आने वाली है अमेजॉन फ्लिपकार्ट में, तो आपको आराम से देखने को मिल जाएगा 29,000 से 28,000 रुपीज़ का। तो ये फोन है मैंने पहले पर इसलिए रखा क्योंकि आपको स्टॉक इंडेक्स पे एक्सपीरियंस आपको होने वाला है। तो ये थे मेरे टॉप 3 कमाल के स्मार्टफोन जो कि आपको 30,000 के अंदर आपको इंडिया में मिलेगा। मिड रेंज वाली जो रेंज, कुछ लोग होते हैं 20,000 लेते हैं, कुछ लोग 30,000 लेते हैं, बाकी ऊपर जाते हैं, ज़्यादातर वो आईफोन ही प्रेफर करते हैं। तो ये जो 30,000 वाले फ़ोन है, ऐसे बहुत सारे लोगों का मन था जो 30,000 फ़ोन लेवा थे, क्योंकि अभी क्या है बहुत सारे इतने सारे ब्रांड लगातार लॉन्च करे, तो लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्प रहेगी। अब इस पर आप कोई भी फ़ोन लीजिए, रियलमी 9 Pro Plus ले लीजिए, आईकू नियो 6 ले लीजिए, या मोटोरोला H30 ले लीजिए, ये तीनों फ़ोन इतने ज़्यादा कमाल के ऑलराउंडर भी है, 5G भी है, बाकी गेमिंग के लिए भी आपको अच्छे दिन को मिल जाते हैं, बिल्ड क्वालिटी तगड़ी आपको मिल जाती है, डिस्प्ले भी तीनों की अच्छी है, ऑडियो क्वालिटी भी स्पीकर है वो आपको अच्छे तरीके को मिल जाते हैं, कैमरे भी कमाल का वर्क करता है, आपसे बेटर का हाई सेटिंग में भी खेल पाएंगे। तो इस पर आप कोई भी फ़ोन ले लीजिए, आपको उस पर अच्छा कमाल के सबका एक्सपीरियंस होने वाला है। तो वीडियो को आज खत्म करते हैं, वीडियो आपको कैसे लगे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके ज़रूर बताएगा। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो पर।